हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी और माधुरी वाला किचन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लहसुन की सब्जी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और लहसुन तो बहुत ही फायदेमंद है, आप सबको पता है। लहसुन तो कच्चा भी खाया जाता है, हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आज हम लहसुन की सब्जी बनाएंगे और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अमेजिंग बनती है और कुछ ध्यान में रखा जाए तो। तो चलिए हम लहसुन की सब्जी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं कि हम कैसे लहसुन की सब्जी बनाते हैं। आज हम बनाएंगे लहसुन की सब्जी। तो लहसुन की सब्जी बनाने के लिए हमने ये 5 लहसुन लिया हुआ है और इसे हमने अच्छे से ऊपर का जो है कि छिलका हमने हटा लिया है और इससे ज़्यादा हमें छिलका नहीं हटाना है, नहीं तो इसके जो दाने हैं वो सब निकलने लगेंगे। अच्छे से मैंने इसे साफ कर लिया है, फिर इसको हम अच्छे से धो लेते हैं। तो इस बाउल में हम लहसुन को रख लेते हैं। तो इसमें हम पानी डाल करके इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ऐसे करके इसके जो धूल गर्दे जमे हुए हैं ये सारे निकल आएंगे और मैं इसे साफ कर लेते हैं। एक दो पानी से इसे हम धो लेते हैं। देख सकती हैं कि मैंने इसे साफ कर लिया है। और एक हम कुकर लेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आप देख सकती हैं कि मैंने कितना पानी लिया हुआ है कुकर में। एक छोटी कटोरी ऊपर से मैंने एक कटोरी पानी लिया हुआ है। तो हमने जो ये लहसुन लिया है इसे हम उबालेंगे, इसको उबालना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसका ढक्कन लगा लेते हैं और इसे उबाल लेते हैं। तो जब तक हमारा लहसुन उबल रहा है तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया हुआ था तो इसे हमने काट लिया है, इसे हम डाल लेते हैं इसमें। और ये हमने कुछ लहसुन की कलियां ली हुई है, इसको भी इसमें डाल लेते हैं। और ये हमारा कुछ अदरक का टुकड़ा है, इसे भी डाल लेते हैं। और हमने 3 से 4 मिर्च ली है, इन सबको डाल के हम ग्रेंड कर लेते हैं और बारीकी सा पेस्ट बनाएंगे इसका हम। तो देख सकते हैं कि हमने इसे ग्रेंड कर लिया है। तो देख सकते हैं कि हमारे लहसुन बहुत अच्छे से उबल चुके हैं, ये देखें। और इसमें हम अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से पहले इसे हम थोड़ा सा कोटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने हल्दी लिया हुआ है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल लेते हैं और इसे डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। और अब चलते हैं हम गैस की तरफ, ऐसे हम मिला लेंगे। तो हमने कढ़ाई के अंदर जो है कि हमने तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब जो हमने लहसुन उबाल के रखा हुआ था अब उसे हम फ्राई करेंगे। और आप इसे बगैर फ्राई के भी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से जो है कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, तो इसलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकती हूँ कि हमने चारों तरफ से लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं सारे लहसुन को। तो अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए इसी तेल में हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो हमने 1/2 चम्मच के करीब इसमें जीरा लिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। और हमने 2 साबुत लाल मिर्च ली हुई है, 1 हमने तेज़पत्ता लिया हुआ है और हमने 1 मीडियम साइज की प्याज ली हुई है, इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी इसमें हम डाल लेते हैं। और इन सबको डाल के हम अच्छे से भून लेते हैं। और इसे भी हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देते हैं प्याज को भी। तो अब देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी जो है प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। तो अब इसमें हम डालेंगे अपनी पीसी हुई प्यूरी जो हमने बनाई हुई थी,
इसे भी हम डाल करके थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं और इसे डाल करके हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो टमाटर की प्यूरी भी डाल के हमने इसे एक मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम मसाला ऐड करते हैं। तो हमने ये जो है कि एक चम्मच के करीब हमने गरम मसाला लिया हुआ है, इसको ऐड कर देते हैं। और हमने एक चम्मच धनिया पाउडर लिया हुआ है, इसको इसमें ऐड करेंगे। और हमारा एक चम्मच हल्दी पाउडर है, इसको भी ऐड करेंगे। और इसमें हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, ये कलर के लिए होती है। तो थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ। और एक आधा चम्मच के करीब जीरा पाउडर है, इसे भी डाल लेते हैं। और इसमें थोड़े से नमक ऐड करते हैं टेस्ट के अनुसार, क्योंकि नमक हमने लहसुन में भी मिलाया था जब हमने लहसुन को कोटिंग किया था। तो इन सबको डाल के हम अच्छे से मिला लेते हैं। और इसमें थोड़े से हम पानी डालते हैं जिससे हमारे मसाले अच्छे से भून जाए। इसे भून लेते हैं। तो अब मैं इसे कवर करके पकाऊंगी जिससे कि हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है कि नहीं। तो प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और ग्रेवी जो भी कि ऊपर ऊपर तेल छोड़ने लगी है। अब इसमें हम अपने फ्राई किए हुए लहसुन को डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, नहीं तो ये सब्ज़ी ठंडी होगी तो और भी थिक हो जाएगी। तो इसे अच्छे से मिला लेते हैं और इसमें हम थोड़े से पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ग्रेवी इसकी मोटी ही अच्छी लगती है, पतली ग्रेवी इसकी अच्छी नहीं लगती। तो हम इसमें थोड़े से पानी ऐड करते हैं। तो मैं इसमें थोड़े से पानी भी ऐड कर लेती हूँ और इसे कवर करके 2 मिनट तक और भी पका लेती हूँ। मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम और स्लो के बीच में रखा हुआ है। करते हैं कि हमारी सब्जी जो है कि पक चुकी है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि सब्जी हमारी जो है कि पक चुकी है और गैस को हम बंद कर देते हैं। इसे आपको हम सब करके दिखाते हैं। और ये देखिए हमारी लहसुन की सब्जी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुई है। लहसुन तो वैसे फ़ायदेमंद है ही, सबको पता है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और आपको हम सब करके दिखाते हैं। तो मैं इसे आपको कुछ सब करके दिखा रही हूँ कि ये देखिए हमारी लहसुन की सब्जी बन करके रेडी है और ये कितनी टेस्टी सब्जी हमारी बनी हुई है। आप इस सब्जी को रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठा के साथ, पूड़ी के साथ इसे आप खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी है। और लहसुन तो दोस्तों फ़ायदेमंद है ही है, आप सब लोगों को पता है कि हमारे लहसुन जो है कि हमारे शरीर के लिए कितने फायदे हैं। और ये देखें, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, फैमिली में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा कि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो फिर अगली रेसिपी के साथ अगले दिन हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।